की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ए की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब ए की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल और ए कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है कैप्स लॉक की। अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है। इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है, यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज। अब जो की आपको नजर आ रही है इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और देखिए अब ये सब स्मॉल लिखे जा रहे हैं। मुख्तसरन शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हों तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में
हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की, अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है। इसके लिए बैक स्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाय गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अब हम एक मर्तबा बैकस्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाय मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाय मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाएं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाएं तरफ को है, इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए, कर्सर एक कैरेक्टर दाएं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है। जिस तरह बैकस्पेस की प्रेस करने से बाएं जानिब का यानी पिछला कैरेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए, अगर हमने अगला यानी दाएं जानिब का कैरेक्टर मिटाना हो तो उसके लिए डिलीट की इस्तेमाल की जाती है। होम एंड एंड कीज, होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो की आप हाइलाइटेड देख रहे हैं, इसे एंड की कहते हैं। एंड की किसी भी लाइन के आखिर में या एंड में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप, पेज डाउन कीज, होम की के साथ आप देख रहे हैं कि पेज अप की है। फर्ज करें कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 सफ़े हैं और इस वक्त हमारा कर्सर दूसरे सफ़े पर है। अगर हम पिछले सफ़े पर जाना चाह रही हूँ तो देखें, हम इसके लिए पेज अप की इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा कर्सर पहले सफ़े पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पर जाना चाहें तो देखिए,
पेज डाउन की मदद से हम पिछले सफे पर आ गए हैं। इस तरह पेज अप की ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन की एक सफा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की अगली की जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की एक खास की है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर को वक्ती तौर पर कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की अगली की जो आप देख रहे हैं उसे स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। पॉज ब्रेक की इसके साथ आप एक और की देख रहे हैं जिसे पॉज या ब्रेक की कहते हैं। एप्लीकेशन की एक आम की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो एप्लीकेशन की है। ये एक ऐसी की है जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन नजर आती हैं। नंबर पैड अब हम कीबोर्ड के दाएं जानेब एक सेट ऑफ कीज देख रहे हैं जिसे नंबर कीपैड या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं जिनमें पेज डाउन इंसर्ट एंड डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रहे हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। समरी कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, अल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की, एडिशनल नेविगेशनल कीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज आप